हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले बहुत ही कम समय में वेन डायग्राम की सारी चीजों के बारे में। तो तैयार हो सभी लोग, कॉपी और पेन को जरूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि आज के सेशन में जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं पता है बहुत ही अच्छे से आप उन सभी चीजों को समझ लोगे। तो मेरे पीछे बने हुए डायग्राम और इसको देखकर आप पहचान चुके होंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम के बारे में। अब वेन डायग्राम से रिलेटेड क्या क्या चीजें आती हैं या कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें हम अपने आज के सेशन में करेंगे। वेन आरेख, वेन डायग्राम एक ऐसा आरेख होता है जिसमें वस्तुओं को गोले से प्रदर्शित किया जाता है और उस गोले को देखते हुए उस वस्तुओं की जानकारियों के बारे में बताया जाता है। क्योंकि एक तरफ लिखी हुई चीजें और एक तरफ चित्र, हम इंसान सबसे जल्दी चित्र को पढ़ना जानते हैं। लिखी हुई चीजों को हम रामायण की तरह पढ़कर, रामायण की तरह मतलब हमें ऐसे लगती है कि बहुत भारी चीज है, हम उसको ढंग से पढ़ नहीं पाते, लेकिन अगर आप चित्र में किसी चीज को देखते हो तो बहुत ही आसानी से आप उसको देखकर समझ जाते हो। तो वेन डायग्राम में पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं फिर अपने आज के सेशन में। किसी भी एग्जाम में, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट लेवल की, यूपी की, या किसी भी स्टेट की, हरियाणा की, राजस्थान की, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, केवल विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी आपको बताना है। ये तीन गोले आपको बनाकर दिए गए हैं। ऊपर वाला गोला अंग्रेजी बच्चों को दर्शाता है जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, नीचे वाला विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों को दर्शाता है, और ऊपर वाला हिंदी पढ़ने वाले बच्चों को दर्शाता है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है केवल विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी, करिए जरा आंसर, कमेंट करिए फटाफट से, जल्दी से क्या होगा। आपसे बोला केवल विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों की, केवल का मतलब होता है सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों की संख्या पूछी जा रही है, सिर्फ, ओनली। तो वो बच्चे जो केवल विज्ञान वाले गोले में आए, ना तो वो हिंदी वाले गोले क्यों और ना ही वो अंग्रेजी वाले क्यों, वो संख्या जो केवल और केवल विज्ञान वाले में दर्शाई जा रही है वही आंसर हो जाएगा। केवल विज्ञान वाले पढ़ने वाले बच्चों की संख्या हो जाएगी 20। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलते नेक्स्ट। थोड़ा क्वेश्चन चेंज हुआ, केवल क्वेश्चन में चेंज है, आकृति वही की वही है। पढ़िए जरा क्वेश्चन और बताइए आंसर क्या हो सकता है। विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे कितने होंगे इस गोले के अंदर या इस आरेख के अंदर? इससे पहले वाले क्वेश्चन में था केवल विज्ञान पढ़ने वाले, और यहां पर दिया है विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडीज साइंस, विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी, करिए जरा नीचे कमेंट एक बार फटाफट से। अब बोला विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, मतलब विज्ञान पढ़ते हो, उसके अलावा चाहे वो हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, मैथ्स पढ़े, हमें कुछ नहीं लेना, लेकिन वो बच्चे विज्ञान पढ़ते हो जरूर। तो विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे, वो बच्चे जो विज्ञान वाले गोले में आ रहे हैं, बाकी किसी में आए या ना आए हमें कोई लेना देना नहीं है, पर विज्ञान पढ़ते हो, ऐसे कितने बच्चे हैं? तो 20 बच्चे ये हो गए। वो सभी संख्या जो विज्ञान वाले गोले में दिखाई दे रही है सबको आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5, 6, 7 और 1, 8, 8 और 20, 28। टोटल बच्चे जो विज्ञान पढ़ते हैं कितना आ जाएगा? 28। 28 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रही है चीजें? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति सेम है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया है, सब कुछ वही है, ऊपर वाले अंग्रेजी, इधर हिंदी पढ़ने वाले बच्चे और इधर विज्ञान पढ़ने वाले। क्या दिया हुआ है? विज्ञान और हिंदी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या क्या होगी? विज्ञान और हिंदी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या क्या होगी? वो बच्चे जो विज्ञान और हिंदी, इसका मतलब होता है दोनों पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है साइंस एंड हिंदी, वो बच्चे जो विज्ञान और हिंदी दोनों को पढ़ते हैं वो कितने हैं? कैसे करोगे? सबसे पहले देखो विज्ञान वाला गोला, विज्ञान वाला गोला कहां दे रखा है? ये रहा। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो विज्ञान और हिंदी दोनों के अंदर आते हैं? अब इसने ये नहीं बोला, इसने बोला विज्ञान और हिंदी पढ़ते हैं, अब चाहे वो उसके अंदर अंग्रेजी पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, कुल मिलाकर ऐसे कितने बच्चे हैं जो विज्ञान और हिंदी पढ़ते हैं?
तो विज्ञान हिंदी पढ़ने वाले ये भी हैं, पांच संख्या और एक, दोनों के अंदर आने वाली कॉमन संख्या कौन सी हो जाएगी, पांच और एक। कुल मिलाकर छह बच्चे ऐसे हैं जो विज्ञान और हिंदी दोनों पढ़ते हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आप कहोगे मैम नहीं, इसमें एक आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, मैं तो मना करूंगी। कैसे? अगर क्वेश्चन में यह दिया होता कि भाई ऐसे कितने बच्चे हैं जो हिंदी और विज्ञान पढ़ते हैं परंतु अंग्रेजी नहीं पढ़ते, अगर बोलता कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो अंग्रेजी नहीं पढ़ते विज्ञान और हिंदी पढ़ते हैं, तो आप इस पांच को गायब कर देते, फिर आंसर वन आता। लेकिन इसने ये बोला ही नहीं, तो क्यों अंग्रेजी के पीछे पड़े हो? उसने बोला विज्ञान और हिंदी पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, चाहे वो अंग्रेजी पढ़े ना पढ़े कोई लेना देना नहीं है, बस विज्ञान और हिंदी जरूर पढ़ते हो। तो ऐसे कितने बच्चे हैं, पांच और एक, टोटल छह बच्चे हैं जो विज्ञान और हिंदी पढ़ते हैं। क्लियर है? आगे चलो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंग्रेजी विज्ञान हिंदी तीनों पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो तीनों चीजें पढ़ते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, विज्ञान भी पढ़ते हैं और हिंदी भी पढ़ते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जो तीनों चीजों को पढ़ना पसंद कर रहे हैं, अंग्रेजी भी पढ़ते हैं। देखो ये सर्वशक्तिमान है, ये कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी छोड़ेगा नहीं, सब कुछ पढ़ के रहेगा। तो यहां पर तीनों चीजों को पढ़ने वाले कौन कौन है, वो बच्चे जो अंग्रेजी वाले गोले में भी आ रहे हो, हिंदी वाले गोले में भी आ रहे हो और विज्ञान में भी आ रहे हो। वो संख्या जो तीनों गोलों के अंदर दर्शाई जा रही है, तीनों का कॉमन पार्ट क्या दे रखा है, पांच। आंसर क्या हो जाएगा, फाइव। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? तीनों का कॉमन पार्ट निकाला जाएगा। आगे कक्षा में, अब यहां पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ, कक्षा में कुल संख्या कितनी होगी, कक्षा में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कक्षा में कितने होंगे, 56, 46, 5 या 45, क्या होगा इसका आंसर करके बताइए। कक्षा में कुल मिलाकर क्या बोल रहा है आपसे, टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, निकालिए जरा एक बार जल्दी से, फिर मैं एक और तरीका बताती हूँ उसके अंदर। ये करो पहले फटाफट करें, यहां पर टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी कैसे निकालोगे, गोलों में जितनी भी संख्या है सबको जोड़ दो, पर एक संख्या एक बारी जोड़ी जाएगी। जितनी संख्या है सबको जोड़ दो, जितनी भी संख्या दे रखी है सबको जोड़ दो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल जाएंगे। मैंने पहले बड़ी बड़ी संख्या जोड़ी, 15, 10 और 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, 30 में 15 को जोड़ोगे 45, तो यही आ गया। प्लस छोटी संख्या जोड़ लो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल कितनी संख्या आ जाएगी, 5 और 1, 6, 4 और 1, 5, 56, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 56। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एक संख्या एक बार ही जोड़ी जाएगी, जो एक बार जोड़ दी उसको दोबारा से नहीं जोड़ना। आंसर कितना आ जाएगा, 56, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, एक क्वेश्चन अपनी तरफ से देकर, अगर मैं यहां पर एक क्वेश्चन आपको देती हूँ उसके बारे में भी आपको बताना है कि आपको क्या लगता है वहां पर क्या आना चाहिए। ठीक है, यहां पर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जाता है, क्या किसी विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, किसी विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लिखो यहां पर, अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे हैं 60 और हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं 40। इसके बाद इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो दोनों पढ़ने वाले बच्चों की संख्या दे रखी है 15। और आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या जा रहा है, केवल हिंदी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बताइए क्या होगी, केवल हिंदी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या क्या होगी, केवल हिंदी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या क्या होगी। करिए जरा इसको एक बार फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अभी लिखित फॉर्म में है, वहां तो डायग्राम बना रखा था, यहां पर आपको खुद से बनाना पड़ेगा। दोनों तरीके से कर सकते हो, थ्योरेटिकली भी जो एक नॉर्मल मेथड है और एक वेन डायग्राम से। मैं दोनों से बताती हूं, जब भी क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में दे दिया जाए तो हमेशा याद रखिएगा यहां दो चीजों की बात हो रही है, हिंदी और अंग्रेजी दो गोले बनेंगे और दोनों में कॉमन पार्ट ही बनेगा क्योंकि दो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा पढ़ते हैं। वेन डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये वाला मैंने ले लिया अंग्रेजी इंग्लिश के लिए और ये वाला गोला मैंने ले लिया हिंदी के लिए।
सबसे पहले वो संख्या लिखना जो दोनों में कॉमन आ रही है। सबसे पहले वो संख्या लिखो जो दोनों में कॉमन है। हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? 15। दोनों में कॉमन कितने बच्चे हो जाएंगे? 15। आगे टोटल अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी? 60। 60 में से 15 बच्चे तो कॉमन हो गए, बाकी कितने बच्चे बचे? तो बाकी बचे 45 बच्चे, वो आ गए केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले। समझ में आ रही है ना चीजें? हिंदी की मैं बात करती हूं, वैसे तो हिंदी पढ़ने वाले टोटल 40 बच्चे थे, पर 40 में से 15 तो इसके अंदर आ गए कॉमन, बाकी कितने बचे? तो बाकी बचते हैं इसके अंदर 25 बच्चे। तो केवल हिंदी पढ़ने वाले बचे कुछ बच्चे बच गए हमारे पास 25, क्योंकि 15 तो यहां पर आ चुके हैं। समझ में आ गई चीजें? क्वेश्चन में पूछा था कि केवल हिंदी पढ़ने वाले कितने बच्चे होंगे, ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल और केवल हिंदी पढ़ते हैं, ओनली हिंदी, सिर्फ हिंदी। तो केवल हिंदी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या आ जाएगी 25। 25 इज द राइट आंसर। कितनी आ जाएगी? 25 इसका बिल्कुल सही आंसर आएगी। क्लियर है? और यहां पर भी अगर आप यहां पर देखो इस क्वेश्चन को, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, हिंदी पढ़ने वाले 40, 15 कॉमन है, कितने बच गए? तो संख्या कितनी बच जाएगी? संख्या बच जाएगी 25। 25 हो गए वो बच्चे जो केवल हिंदी पढ़ते हैं। ऐसे भी निकाल सकते हो, इसमें तरीके बहुत लग सकते हैं, और कई बार तीन तीन भी बनाया जाता है वेन डायग्राम, जो मैंने बना कर दिया था। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क, इसको करके बताना है सभी को। एक कक्षा में इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी दे रखी है? 50। हिंदी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या दे रखी है 30, और मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों की संख्या दे रखी है 70। आपको दिया हुआ है हिंदी और मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 10 है, उसके बाद लिखना है यहां पर इंग्लिश और मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 15 है। आगे देखो, हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वो बच्चे जो हिंदी इंग्लिश और मैथ्स तीनों पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ्स तीनों पढ़ते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं? 5। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है केवल हिंदी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन में पूछा गया है केवल मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन में पूछा गया है केवल अंग्रेजी इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी, और इसी के साथ ऐसे कितने बच्चे हैं, कुल टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, कुल कितने विद्यार्थी होंगे कक्षा के अंदर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को करने का मैं हिंट दे सकती हूं आप सभी को, क्या हिंट होगा? कोशिश करनी है क्या? यहां पर मैं अगर आपको बताऊं इसके बारे में करना क्या है, तो ये तो आपको करके बताना होगा। कितने हो जाएंगे यहां पर? 3 वेन डायग्राम बनेंगे, 3 गोले बनेंगे इंग्लिश हिंदी और मैथ्स के लिए। गोले किस प्रकार से बनाओगे आप? तो ये 3 गोले बनाए जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले जो तीनों को इंटरसेक्शन आ रहा है, तीनों में कॉमन है, उसकी वैल्यू लिखो, फिर घटाकर वैल्यू यहां पर आएंगी, और जो बच गया वो बीच में आएंगे। इन सभी का आंसर आप सभी को ऑफलाइन कमेंट करके जरूर जरूर देना है, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और याद रखना है आपको टाइमिंग, रीजनिंग की क्लास होती है आपकी 2 समय, सुबह 8 बजे एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पर, और सुबह 9 बजे रेलवे के लिए एग्जामपुर चैनल पर। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी क्लास पर ऑन टाइम। क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।